नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सोहन सिंह। जोशीमठ की तस्वीरें आपने देखी थी, घरों में पड़ी दरारें और टूटते घर, भला उस मंजर को कौन भूल सकता है। आपको बता दें कि कुछ ऐसे ही तस्वीरें अब उत्तराखंड में नरेंद्र नगर के पट्टी दोगी से सामने आ रही हैं, जिसके बाद ग्रामीण धरने पर बैठ गए हैं। नरेंद्र नगर की पट्टी दोगी में घरों में दरारें पड़ी हुई हैं और पानी के स्रोत सूखने जैसी विकट समस्याएं खड़ी हो गई हैं, जिसके खिलाफ ग्रामीण लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। मामला दोगी पट्टी के बल्दिया खान गांव का है। डेढ़ दर्जन परिवारों के मकानों में दरारें पड़ी हुई हैं, जिसके लिए लोग ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे टनल निर्माण के दौरान हो रही ब्लास्टिंग को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मामले को लेकर पिछले 2 सालों से लोग सरकार और रेलवे विकास निगम से समाधान की मांग कर रहे हैं। कई दौर की बातचीत और धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं, लेकिन समस्या से निजात नहीं मिल सकी है, लिहाजा अब ग्रामीणों ने निर्माण कार्य ही रुकवा दिया है। 21 जनवरी से गुलर में रेलवे टनल के मुहाने पर तंबू गाड़कर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी ग्रामीणों के सुध लेने नहीं पहुंचा है। ग्रामीण ब्लास्टिंग की वजह से टूट रहे मकानों के पूरे मुआवजे, परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी और गांव को विस्थापित करने के लिए क्षेत्र में नजदीक ही जगह की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, तब तक वे धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। इसके अलावा ग्रामीणों ने ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे को गुलर में चक्काजाम करने की भी चेतावनी दी है। अब हमारा सब्र का बांध टूट चुका है। हमने 2 साल बहुत बातें मानी है, बहुत सब्र किया है। अब जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, हम यहाँ से हटेंगे नहीं। जिस दिन हमारे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, वो भी हम पूरा परसेंट लेंगे जो बना हुआ है। अब रेलवे वाले बोल रहे हैं कि राजस्व पे थोप रहे हैं, राजस्व रेलवे पे थोप रहा है। जब तक हमारे मांगे पूरी नहीं होंगे, हम यहाँ से हटने वाले नहीं है। राजस्व विभाग और रेलवे विभाग सुनने के लिए राजी नहीं है। कभी बॉल इस पाले में फेंकते हैं तो कभी बॉल उस पाले में खेलते हैं। तो ये इस तरीके का जो घटिया मैच खेला जा रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर जल्दी हमारे लोगों की मांग नहीं मानी गई, हमारी सिंपल सी मांग है कि हमारे लिए जो हमारे लोगों के जो मुआवजे बनाए गए हैं, उस मुआवजे को दिया जाए। दूसरी मांग है कि हमारे जिनके भी घर जो है खतरे की जद में आ रहे हैं, उनको सरकारी नौकरी दी जाए। ये धरना प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा जब तक कि लोगों के अकाउंट में पैसे नहीं आए, और पैसे भी पूरा मुआवजा मिलना चाहिए, अन्यथा ये धरना रुकेगा नहीं। ये जो परसेंटेज का हिसाब है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये परसेंटेज किस आधार पे। किसी का मकान अगर क्षति हुआ है तो उसको पूरा मुआवजा मिलना चाहिए, वो कैसे अपने मकान को सुधारेगा? ये सवाल मेरा शासन प्रशासन से है, और जब तक इनको पूरा मुआवजा नहीं मिलेगा तो परसेंटेज का कोई जिक्र नहीं। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट बैठक के दौरान कई अहम फैसले लिए गए हैं। आपको बता दें कि इस बैठक के दौरान खिलाड़ियों को 4% आरक्षण बिल विधानसभा में लाने, चाइल्ड केयर लीव के दौरान 100% वेतन भत्ता देने और कर्मचारियों को वाहन भत्ता देने समेत कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर उत्तराखंड कैबिनेट ने फैसला लिया। ये जानकारी मुख्य सचिव एसएस संधू ने दी। उन्होंने बताया कि इस बैठक में आबकारी नीति और विधानसभा सत्र को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। चिकित्सा सेवा संशोधन नियमावली 2024 के बारे है, इसमें कुछ डेजिग्नेशन चेंज किए गए हैं। जैसे पशु चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 पहले कहते थे, अब उसका नाम रखेंगे पशु चिकित्सा अधिकारी, और जो पशु चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 1 था उसमें 3 नाम आएंगे, अभी वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, उपनिदेशक और डिप्टी रजिस्ट्रार, ये तीनों अब उसी स्केल में आएंगे। ये पहले पद नहीं थे, इनको स्वीकृति दी गई। अगला मद मत्स्य का है, इसमें जो ऑक्शन होती थी ये जलाशयों की मत्स्य पालन के लिए, वो पिछली नियमावली में 5 साल थी। उसमें कुछ कोर्ट केस भी हुए, कुछ पुराने 10 साल के लिए भी दिए गए, और फिर सुप्रीम कोर्ट तक भी ये मामला गया, और आज उसको ठीक करने के लिए कैबिनेट ने ये निर्णय लिया कि ये जो ऑक्शन होगी 10 साल के लिए होगी, और पुराने जो रेट्रोस्पेक्टिवली भी इम्प्लीमेंट होगा, ताकि जो पुराने 10 साल के लिए ऑक्शन किए जा चुके हैं। विकासनगर में रामलला के झंडे के अपमान का मामला सामने आया है। आरोप है कि 3 मुस्लिम युवकों ने रामलला के झंडे को उतारा, उसे अपमानित किया। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना विकासनगर कोतवाली इलाके के कुंजा ग्रांट गांव की है। दरअसल 22 जनवरी को स्क्रीन लगाकर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का लाइव प्रसारण दिखाया जा रहा था। इस दौरान भगवान श्री राम के झंडे भी लगाए गए थे।
आरोप है कि कार्यक्रम खत्म होने के बाद तीन मुस्लिम युवकों ने भगवान श्री राम के झंडे को उतारकर अपमानित किया, जिसके खिलाफ हिंदू समाज के लोगों ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने मामला दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना विकास नगर में सुनील कुमार द्वारा एक तहरीर दी गई थी, जिसमें झंडे का अपमान किए जाने को लेकर तहरीर दी गई थी। इस संबंध में हमारे द्वारा 153A व 295A भादवी के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और साथ ही साथ तीन अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी कर ली गई है, जिन्हें आज पौड़ी के बाबू ब्लॉक के खुंडेश्वर मैदान में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें उत्तराखंड सरकार में मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिरकत की। उन्होंने पाबो ब्लॉक के लिए 70 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी है, साथ ही राजकीय महाविद्यालय पाबो का भी लोकार्पण किया। धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश सरकार का मकसद हर घर में जल पहुंचाने का है, लिहाजा कार्यक्रम के दौरान 86 गांवों के लिए पाबो बिडोलस्यू ग्राम समूह पेयजल पंपिंग योजना का शिलान्यास किया गया। इस दौरान मंत्री जी ने उज्ज्वला कनेक्शन के लाभार्थियों में कनेक्शन भी बांटे। आजाद भारत में कई वर्षों से पाबो के लोग पानी के लिए बहुत परेशान थे, और जब मैं विधायक बना तो हमने वादा किया था कि हम तुम्हारी देवी से पानी ले जाएंगे, और आज मैं प्रधानमंत्री जी का भी, मुख्यमंत्री जी का भी, अपनी सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि लगभग 46 करोड़ रुपये की लागत से अब पाबो के हर गांव को पानी दिया जाएगा। आज उसका भूमि पूजन विधिवत यहाँ पे हो गया है और धारी देवी में टैंक उसका बनना शुरू हो गया है। मुझे लगता है कि 3-4 महीने में पाबो ब्लॉक के हर गांव को पानी मिल जाएगा। और बहुत गणतंत्र दिवस को लेकर देशभर में तैयारियां की जा रही हैं। बात देहरादून की करें तो देहरादून में 9 विभागों की झांकियां गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल की जा रही हैं, जिसमें ग्राम्य विकास, पर्यटन विभाग और उद्यान विभाग समेत 6 विभागों को शामिल किया गया है। इसके अलावा विकसित भारत संकल्प यात्रा और विकसित उत्तराखंड संकल्प यात्रा की झांकी सूचना विभाग ने शामिल की है। मुख्य विकास अधिकारी झरना कमठान ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी तक 9 विभागों की लिस्ट मिली है। इस बार भी खूबसूरत झांकियां गणतंत्र दिवस के मौके पर देखने को मिलेंगी। तो जो है अभी तक हमारे पास 9 विभागों की सूची आई है, जिनके द्वारा जो है झांकियां बनाई जा रही हैं, जिसमें हमारा ग्राम्य विकास विभाग है, पर्यटन विभाग है, उद्यान विभाग है। तो सभी विभाग जो हैं अपने अपने जो है झांकियों के तैयार कर रही हैं। उसमें विकसित भारत संकल्प यात्रा और विकसित उत्तराखंड को लेकर के भी सूचना विभाग की झांकी और ग्राम्य विकास विभाग की झांकी के द्वारा थीम पर बनाई जा रही है। और झांकियां जैसे हर बार होती है, उसी की तरह आपकी बार भी अत्यंत आकर्षक। खटीमा के हेमवती नंदन बहुगुणा कॉलेज में छात्रों का हल्ला बोल देखने को मिला। दरअसल छात्र पूरी तैयारियां होने के बाद प्रोग्राम कैंसिल होने से नाराज थे। मामले को लेकर छात्रों ने कॉलेज में तालेबंदी कर प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि सरकार और प्रशासन की मनमानी की वजह से प्रोग्राम कैंसिल किया गया है। जब प्राचार्य से प्रोग्राम कैंसिल करने की वजह छात्रों ने पूछी तो प्राचार्य ने आपसी तालमेल की बात को लेकर प्रोग्राम कैंसिल करने की बात कही। छात्र संघ अध्यक्ष ने बाहरी राजनीति की वजह से प्रोग्राम कैंसिल करने का आरोप लगाया है। मामले की शिकायत मिलने पर खटीमा SDM मौके पर पहुंचे और छात्रों को समझाने की कोशिश करते हुए नजर आए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा जो आप यहाँ पे हमारी बात सुनने आए, क्योंकि कुछ लोग तो यहाँ पे हमारे महाविद्यालय में ऐसे भी टीचर हैं जो हमारी बात को बिल्कुल सुनना नहीं चाह रहे हैं। यहाँ पे इतनी ठंड में उनके बच्चे बैठे हुए हैं, वो सुनने तक नहीं आ रहे हैं हमारी बात को। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप ऊपर तक पहुँचाइएगा। जो छात्रों के साथ खटीमा महाविद्यालय में अन्याय हो रहा है, इसके खिलाफ जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, ये ऊपर तक आप पहुँचाइएगा। देखिए, जो हमें अनुमति प्राचार्य द्वारा दी गई थी प्रोग्राम को लेकर, आप तैयारी देख सकते हैं, पूरा टेंट लग चुका है, हर चीज़ की तैयारी पूरी है। कल हमारा प्रोग्राम होने जा रहा था, तो प्राचार्य जी ऐसे किस दबाव में हैं जो उन लोगों ने कल रात को बिना हमें बताए आज सुबह हमें सूचित किया गया कि प्रोग्राम को निरस्त कर दिया जाए। एक बार बताइए, एक दिन हमारे प्रोग्राम को बचा हुआ है और उन्होंने प्रोग्राम निरस्त कर दिया है, किस चीज़ का इतना दबाव है? अगर आपसी सहमत, देखिए हम नियमों के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। प्राचार्य जी ने हमसे जो यहाँ पे रीज़न बताया है, उनने वो रीज़न ये है कि आपसी तालमेल,
हम लिंग दो के नियमों के हिसाब से चल रहे हैं। देखिए पहले तो अध्यक्ष सर्वोपरि माना जाता है, और अगर अध्यक्ष ठीक है, अगर आपके पास दो तिहाई बहुमत है, अगर आप मेजोरिटी में छात्र संघ में बैठे हुए हैं, तो आप कोई भी डिसीजन लेने के लिए योग्य है। कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम इनके द्वारा किया जाना 24 तारीख को, जिसके जो प्रिंसिपल साहब है उन्होंने हमें रिपोर्ट दी थी कि यहाँ पर छात्र संघ पदाधिकारी हैं इनके द्वारा आपस में कोई सामंजस्य नहीं हो पा रहा है, लिहाजा इसको स्थगित किया जाता है। अभी अगली डेट दी जाएगी जिसमें ये सांस्कृतिक प्रोग्राम होगा। कुछ एनएसआई के जो पदाधिकारी यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और यहाँ पर अभी क्योंकि कुछ दिनों के बाद परीक्षा भी होने वाली है, और हमारे प्रिंसिपल जो महाविद्यालय के प्रिंसिपल साहब वो अभी देहरादून में किसी मीटिंग के सिलसिले में गए हुए हैं, तो इनका दर्जन धरना प्रदर्शन जो जायज़ नहीं है। फिलहाल मैंने इनको समझाने की कोशिश की है, देखते हैं कुछ देर में ये समझ जाएंगे और इनको बताएंगे भाई नियम के अनुसार काम करें। बागेश्वर में अवैध खनन पर अंकुश कब लगेगा, ये सवाल बड़ा है। ताजा मामला गरुड़ तहसील से सामने आया है, जहां गोमती नदी में बेरोकटोक अवैध खनन जारी है। गोमती नदी में वैकल्पिक कच्ची सड़क बनाकर पत्थर और रेता बेचने का काम किया जा रहा है। बता दें कि बागेश्वर जिले में 2 एसडीएम 4 तहसीलों को संभाल रहे हैं। गरुड़ और बागेश्वर तहसील एसडीएम मोनिका के पास है, लेकिन खनन पर अंकुश फिलहाल लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जानकारी के मुताबिक खनन माफिया ने प्रशासनिक गतिविधियों को लेकर गरुड़ से लेकर बागेश्वर तक मुखबिर तैनात कर रखे हैं। अब प्रधान संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष रवि बिष्ट ने गोमती नदी में हो रहे बेरोकटोक खनन का मौके पर जाकर वीडियो बनाया है, जो जमकर वायरल हो रहा है। अल्मोड़ा में सीवर लाइन निर्माण के दौरान ठेकेदार हरीश सिंह की मौत का मामला सामने आया था। ठेकेदार हरीश सिंह की मौत ट्रैक्टर की चपेट में आने की वजह से हो गई थी, जिसके बाद अब ठेकेदारों में नाराजगी देखने को मिल रही है। पर्वतीय ठेकेदार संघ से जुड़े ठेकेदारों ने मामले को लेकर पेयजल निगम ऑफिस का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। बता दें कि ठेकेदार मृतक के परिवार के लिए 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। मुआवजा न मिलने पर ठेकेदारों ने कार्यदायी संस्था का काम रोककर पेयजल निगम ऑफिस में धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। 18 जनवरी को हरीश बिष्ट जो हमारे ठेकेदार थे जाखन देवी में, क्या कहते हैं, ट्रैक्टर की लापरवाही के कारण जो उनको कुचला गया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनको उनकी हत्या की गई है या उनको मारा गया है, इसलिए उनकी आज यहाँ पर हमारा जल निगम कार्यालय में जो हमने एक धरना प्रदर्शन किया है, उसके परिवार को मुआवजा मिले, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, इसलिए ठेकेदार का कभी कोई कोई पेंशन नहीं है, कोई तनख्वाह नहीं है, उसके भुखमरी उसके बच्चों को भुखमरी के कागार पर चले गए हैं, उसकी पढ़ाई लिखाई सब चीज़ में उनका व्यवधान होता है, एक परिवार भुखमरी के कागार पर आ गया है, इसलिए हमारा ठेकेदारों की एक यह हमारा मानवता की तरफ से है कि उसके परिवार को मुआवजा मिले, और हमारी डिमांड 50 लाख रुपए की डिमांड है कि उसके परिवार को मिले। अगर वायदे पे हमारा मांग नहीं मानते तो कार्यदायी संस्था का काम भी रोक देंगे। महिला और बाल अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। महिलाओं और छात्राओं को लगातार जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में उत्तरकाशी के बालिका इंटर कॉलेज और उच्च प्राथमिक विद्यालय गांधी विद्या मंदिर में जागरूकता शिविर लगाया गया। इस दौरान स्कूली छात्राओं को महिला और बाल अपराध को लेकर जानकारी दी गई, साथ ही उनके अधिकारों की भी उनको जानकारी दी गई। इस दौरान छात्राओं को महिला और बाल अपराध के साथ भिक्षावृत्ति, साइबर सुरक्षा, नशे के दुष्प्रभाव और यातायात नियमों को लेकर भी जागरूक किया गया। सभी छात्राओं ने बताया कि छात्राओं को ये बताया गया कि अगर कहीं भी महिलाओं से जुड़ा अपराध होता है या कोई गतिविधि उन्हें संदिग्ध लगती है तो वे उत्तराखंड पुलिस ऐप के गौरा शक्ति मॉड्यूल पर अथवा डायल 112 या फिर महिला हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत कर सकती हैं। उत्तरकाशी से सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। दरअसल एक यूटिलिटी सड़क से नीचे गिर गई थी, यूटिलिटी में बैठे 7 लोग घायल हो गए हैं। हादसा चुनारीसोड़ के बंचोरा के पास हुआ है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। यूटिलिटी सवार 7 लोगों में से 6 लोगों को देहरादून हायर सेंटर भेजा गया है, वहीं एक महिला को इलाज के लिए बंचोरा PHC में भर्ती किया गया है। उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए ABC Star News।